दोस्तों बांग्लादेशी फिल्म तूफान का आज है बॉक्स ऑफिस पे डे नंबर 2। ऐसे में दोस्तों दुनिया भर में ये फिल्म पहले ही धमाल मचा चुकी है और अभी हाल ही में कल यानी कि 5 जुलाई को इस फिल्म को भारत भर के बॉक्स ऑफिस पे रिलीज किया गया, जहां पे दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पे भी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और दोस्तों ये फिल्म इंडिया में भी कई जगहों पर सोल्ड आउट और साथ ही साथ ऑलमोस्ट फुल नजर आई। साथ ही अब बारी है फिल्म के डे नंबर 2 की और आज की दोस्तों जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी है वो कल के कंपेरिजन में काफी अच्छी देखने को मिल रही है। फिल्म में दोस्तों हमें शाकिब खान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ देखने को मिल रही है मिमी चक्रवर्ती और इनके अलावा दोस्तों फिल्म में हमें मौसमा रहमान, नबीला और चंचल चौधरी भी देखने को मिल रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों शाकिब खान की 250वीं फिल्म है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तूफान लेकर आ चुकी है। साथ ही दोस्तों फिल्म के अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन है वो लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का हो चुका है। साथ ही दोस्तों अब फिल्म इंडिया में भी रिलीज हो चुकी है और इंडिया में भी इस फिल्म ने अपने पहले दिन लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल कर लिया है। जहाँ पे दोस्तों इंडिया कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन रहा वो रहा लगभग 65 लाख रुपए। वही अब बारी है फिल्म के डे नंबर 2 की और डे नंबर 2 पे भी दोस्तों फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज ये फिल्म में लगभग 80 लाख रुपए का कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब फिल्म का जो शुरुआती 2 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन है वो 1 करोड़ 45 लाख रुपए का हो चुका है, जबकि फिल्म का जो दोस्तों इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो हो चुका है 1 करोड़ 80 लाख रुपए का। वैसे दोस्तों फिल्म तूफान को लेकर आपका क्या है कहना, साथ ही आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप भी शाकिब खान के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।